मजलूम की आवाज पीएम न्यूज, सिर्फ और सिर्फ आशिक सहू के साथ पीएम न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, बिग स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आशिक हुसैन सहू। नाजरीन, आज की बिग स्टोरी इमरान खान के हकीकी आजादी मार्च में मरकजी किरदार अदा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा सबा बिल्किस भट्टी के हवाले से आए। सबा बिल्किस भट्टी का तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन मरकजी रहनुमाओं में होता है जिन्होंने हमेशा मुश्किल तरीन लम्हात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। मोहतरमा सबा बिल्किस भट्टी का तल्लुक सिंध से है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर सबा बिल्किस भट्टी ने सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फाल और मजबूत बनाने में मरकजी किरदार अदा किया है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है और इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है तो मोहतरमा सबा बिल्किस भट्टी की क्यादत में ख़वातीन का बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद पहुँच चुका है। पीएम न्यूज़ की टीम से गुफ्तगू करते हुए सबा बिल्किस भट्टी ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम के मसीहा हैं, हम किसी भी इम्पोर्टेड अमरीकी गुलाम हुकूमत को नहीं मानते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शब्बे खून मारा गया है, जब तक हम हकीकी आज़ादी इन चोरों लुटेरों से हासिल नहीं कर सकते सुकून से नहीं बैठेंगे। जेल और मौजूदा हुकूमत का जुल्म सितम हमें इमरान खान से जुदा नहीं कर सकता। आज पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। बिग न्यूज़ के साथ अपने मेज़बान आशिक हुसैन सहू को इजाज़त दें। अल्लाह निगेबान।